हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में मेरी जो सीरीज है जनवरी से जुलाई तक के 7 महीनों के बेस्ट 500 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम से पहले देखकर जाने हैं, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, ये उसका भाग दो है। जिन्होंने भाग एक नहीं देखा है पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें जनवरी और फरवरी 2 महीनों के ऑलरेडी बेस्ट क्वेश्चन कवर किए जा चुके हैं, और इस वाले वीडियो में होंगे अगले 2 महीने के, यानी कि मार्च और अप्रैल के, और जो आखिरी वीडियो होगा उसमें होंगे बचे हुए 3 महीने, यानी मई, जून और जुलाई। इन क्वेश्चंस में जो एक्सप्लेनेशन है, समझाने की जो गति है, वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो होते हैं। इनको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप साइड में एक पेपर और पेन लेकर बैठिए और अपने जो 4 ऑप्शन आएंगे उनमें से आंसर मार्क करिए और बाद में मैच करिए। तो शुरू करते हैं पार्ट टू। आपको याद दिला दूँ, StudyIQ के कुछ पेनड्राइव कोर्सेज आते हैं जिनसे आप घर बैठे पूरा कोर्स वीडियोज़ के रूप में खत्म कर सकते हैं। ये हमारे पेड वीडियोज़ हैं, और अगर आप कोई भी हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो StudyIQ.com विजिट कर सकते हैं। डेमो वीडियोज़ देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कोर्स अच्छा है या नहीं, और उनका फीडबैक वगैरह सब हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। कितना लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिहार को दिया है उनके वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए, पीने के पानी का जो सप्लाई प्रोजेक्ट है बिहार में जो चल रहा है, इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है $84 मिलियन, $84 मिलियन। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला में, मनीला फिलीपींस की राजधानी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो है ताकेहिको नकाओ, और इसमें चौथे नंबर पे भारत का सबसे ज्यादा शेयर है इस बैंक में। नंबर 1 पे जापान, फिर अमेरिका, फिर चाइना और फिर इंडिया। बिहार में एक वाल्मीकि नेशनल पार्क है, काफी पूछा जाता है एग्जाम में वाल्मीकि नेशनल पार्क, और यहां पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबंद सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसके अलावा गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो ये सब है। भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है, और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो 6ठी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। इनकी पार्टी का नाम है JDU, इनका भाजपा से गठबंधन है, और सत्यपाल मलिक हैं यहाँ के गवर्नर। अम्मा टू व्हीलर स्कीम किसने लॉन्च करी है तमिलनाडु में? अम्मा, अम्मा किसको बोलते थे? जयललिता को। जयललिता तमिलनाडु की बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात मुख्यमंत्री थी। तो जयललिता जी का 70वां ये बर्थ एनिवर्सरी था, अब तो वो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी याद में टू व्हीलर स्कीम है, अम्मा टू व्हीलर स्कीम, इसको लॉन्च करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये जो स्कीम है इसमें अगर कोई लड़कियां स्कूटर वगैरह खरीदना चाहती हैं तो उन्हें 50% ऑफ मिलेगा, या फिर 25,000 रुपये का ऑफ मिलेगा, जो भी इनमें से कम हो। तो ये स्कीम है, और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एडापड़ी के पलनीस्वामी। यहाँ का एक डांस भी है भरतनाट्यम। तमिलनाडु के थेनी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है दो कारणों से। पहला, थेनी के जंगलों में आग लग गई थी अभी, तो फॉरेस्ट फायर बहुत बड़ी लेवल पे हुई थी थेनी के जंगलों में। और दूसरा ये कि महाराष्ट्र के, ये सॉरी, तमिलनाडु के थेनी में एक इंडिया न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट बन रहा है, इंडिया न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट, और इससे 5 किलोमीटर दूर केरल का बॉर्डर है, वहां पर एक मथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क है केरल का। तो इसीलिए जानवरों पर दुष्प्रभाव ना पड़े तो एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रहा था इस प्रोजेक्ट को। तो याद रखिए, तमिलनाडु और केरल का जो बॉर्डर है वहां पे है मथिकेट्टन शोला नेशनल पार्क, लेकिन ये केरल के अंदर पड़ता है, और ये जो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं इंडिया, ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये थेनी दो चीजों के लिए अभी न्यूज में आया था। तो यहां पे तमिलनाडु में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हैं, एक है कल्पक्कम और दूसरा है कुंडनकुलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है? इनकी जो मीटिंग थी पेरिस में हुई थी FATF की, और ये कंट्री है चाइना। चाइना बन गया है FATF का वाइस प्रेसिडेंट। पेरिस में हेडक्वार्टर है OECD का, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा यूनेस्को का, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पेरिस फ्रांस की राजधानी भी है, और यहाँ पे 2024 के ओलंपिक खेल भी खेले जाएंगे। एक चीज और याद रख लीजिए इसमें, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, क्योंकि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। कौन सा भारत का रेलवे स्टेशन है जो दूसरा रेलवे स्टेशन बना है भारत में जिसका संचालन महिलाएं करेंगी, यानी यहाँ पे जितना भी स्टाफ है सिर्फ महिलाएं होंगी? पहला था मातुंगा, और मातुंगा है मुंबई में, और दूसरा है गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो जयपुर में है। ये गांधीनगर गुजरात की राजधानी, वो वाला गांधीनगर नहीं है, जयपुर के अंदर एक जगह है गांधीनगर, वो वाला है। अब तो खैर बहुत सारे हो गए हैं, अब तो जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, इंटरनेशनल वुमेन डे, उस उपलक्ष्य में बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे जो संचालन है महिलाएं कर रही हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। ये हमारे कोयला मंत्री भी हैं, कोल मिनिस्टर।
और रेलवे ने दो प्रोजेक्ट चला रखे हैं। एक तो है ऑपरेशन स्वर्ण। ऑपरेशन स्वर्ण का मतलब यह है कि जो राजधानी शताब्दी या जो दूसरी महंगी ट्रेन है उनके अंदर सुविधाओं का विकास किया जाएगा, सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा। और दूसरा चला रखा है प्रोजेक्ट सक्षम। प्रोजेक्ट सक्षम में रेलवे के जो 13 लाख कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका कौशल विकास किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट सक्षम और ऑपरेशन स्वर्ण दोनों चलाए हुए हैं भारत के रेल मंत्रालय ने। कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी जो मिलन एक्सरसाइज जिसने जो होस्ट करेगा, इसका थीम है फ्रेंडशिप अक्रॉस द सीज। मैं रिपीट करता हूं, फ्रेंडशिप अक्रॉस द सीज। ये होगी अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में जो एयरपोर्ट है अंडमान निकोबार में उसको बोलते हैं वीर सावरकर एयरपोर्ट, नाम है ये वीर सावरकर एयरपोर्ट। और अंडमान निकोबार जो है ये बंगाल की खाड़ी में है, बे ऑफ बंगाल में है। मिलन एक्सरसाइज जो है इसमें एक कंट्री नहीं आ रहा है, उसने मना कर दिया है। कौन सा कंट्री नहीं आ रहा है कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, कौन से कंट्री ने मना कर दिया है भाई हम मिलन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पहले भारतीय कौन बनी जिन्होंने एक जिम्नास्टिक के वर्ल्ड कप में कोई भी पदक जीता भारत के इतिहास में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इनका नाम है अरुणा बुद्धा रेड्डी। ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में हुई थी। मेलबर्न में क्रिकेट ग्राउंड भी है जिसको बोलते हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG, और दुनिया का जो पहला मैच हुआ था क्रिकेट का वो MCG में हुआ था। याद रखिए ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था और ये MCG में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं मेलकॉम टर्नबुल। ऑस्ट्रेलिया अभी न्यूज में इसलिए चल रहा था क्योंकि बॉल टेम्परिंग कर रहे थे, यहाँ के प्लेयर बॉल से छेड़छाड़ कर रहे थे जिससे साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें कुछ फायदा मिल जाए, तो फिर काफी जवाबी कार्रवाई हुई है। डैरन लीमन कोच थे, उनको हटा दिया गया। स्टीव स्मिथ कैप्टन थे, एक साल के लिए बैन कर दिया गया। डेविड वार्नर को बैन कर दिया गया, बैंक्रॉफ्ट को बैन कर दिया गया। काफी मतलब कार्रवाई हुई है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो याद रखिए अरुणा बुड्डा रेड्डी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओम्बड्समैन स्कीम जो पहले बैंक्स के लिए चलाई हुई थी अब वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए भी चला दी है। अभी ओम्बड्समैन होता क्या है, अगर आपको बैंक से कोई शिकायत है तो बैंक को आप पत्र लिखिए, ठीक है। पत्र का जवाब अगर आपको एक महीने में नहीं मिलता, या पत्र का जवाब मिल जाता है पर आप उसे सेटिस्फाई नहीं है, या फिर बैंक आपका पत्र एक्नॉलेज करने से मना कर देता है, उसको मानने से मना कर देता है, तो ओम्बड्समैन के पास जाओ और ओम्बड्समैन के पास जाके अपनी शिकायत करो। ओम्बड्समैन फिर बैंक के खिलाफ कार्यवाही करेगा, यानी शिकायतों का निवारण के लिए होता है ओम्बड्समैन, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट करता है, आपसे कोई पैसा नहीं लेता। ओम्बड्समैन स्कीम 20 ऑफिस ऑलरेडी है भारत में ओम्बड्समैन के बैंक्स के लिए, अब जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उनके लिए भी कर दिया। लेकिन सावधान, सिर्फ उन्हीं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए कराए जिनका एसेट साइज 100 करोड़ से ज्यादा है या जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, बाकियों के लिए नहीं कराए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी दो तरह की होती है, एक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और एक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती। जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उनके लिए कराए ओम्बड्समैन चालू, और 100 करोड़ से ज्यादा का जिनका एसेट है उनके लिए कराए, बाकियों के लिए भी कर देंगे, अभी नहीं कराए। कौन सा कंट्री है जिसने प्योंगचैंग 2018 के जो ओलंपिक विंटर गेम हुए थे उनमें टॉप करा है मेडल टैली, सब ज्यादा मेडल जीते हैं? ये कंट्री है यूएस नहीं है, यूएस पैरा ओलंपिक वाला है, नॉर्वे आंसर है। देखिए अब ये कंफ्यूजन आपको हो सकती है, विंटर ओलंपिक में दो वो थे, एक तो जो हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके लिए जो एथलीट है, नॉर्मल जो एथलीट है जो दिव्यांग नहीं है, और एक जो पैरा ओलंपिक है। तो अगर पूछें कि पैरा ओलंपिक वालों के में किसने टॉप करा, तो आंसर है अमरीका, और जो जो सिंपल पैरालंपिक वर्ड अगर मेंशन नहीं किया तो आंसर है नॉर्वे। तो इसका आंसर नॉर्वे है, 39 मेडल जीते हैं और अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, तो नॉर्वे है इसका आंसर। अगर पूछे पैरालंपिक में किसने जीते हैं सबसे ज्यादा मेडल, तो आंसर है यूएसए। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे के एक बहुत फेमस खिलाड़ी है शतरंज के बादशाह, मैग्नस कार्लसन। बादशाह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वर्ल्ड चैंपियन है, इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन है, दो बार विश्वनाथन आनंद को हरा के ये वर्ल्ड चैंपियन बने थे, और तीसरी बार इन्होंने हराया था सर्जे कारियाकिन को। तो 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं मैग्नस कार्लसन, और ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा 4 क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं आपसे, तो यहां लिखे हैं ये। इसका शुभंकर कौन था, तो आंसर नॉर्वे है, शुभंकर था। दो शुभंकर थे, एक था सोहोरैंग, ये एक सफेद रंग का बाघ है, टाइगर है, और दूसरा है बंदाबी, ये एक एशियाटिक ब्लैक बियर है, एक काले रंग का भालू है। ये थे दोनों मैस्कॉट। स्लोगन था इन खेलों का पैशन कनेक्टेड। टॉप करा है 39 मेडल जीत के नॉर्वे ने, और दूसरे नंबर पे था अमरीका। नॉर्वे का एक खिलाड़ी है मरिट बजोरगन, मरिट बजोरगन, इसने 15 मेडल जीते हैं, एक ही खिलाड़ी ने 15 मेडल जीत लिए। तो ये सब चीजें याद रखिए, और जैसा मैंने बताया पैरालंपिक का आंसर है अमरीका, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। इनमें से पहला एसोसिएट मेंबर कौन बना है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, जिसको ग्लोबल T20 की परमिशन मिल गई है। जैसे भारत में IPL होता है, अब ये वाला जो कंट्री है ये अब अपना खुद का T20 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकता है, जैसे अपनी खुद की प्रीमियर लीग, एक तरह की क्रिकेट की प्रीमियर लीग जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकता है। ये देश है कनाडा। कनाडा, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडियो। अगले साल यहाँ पे चुनाव भी होने वाले हैं। जस्टिन ट्रूडियो भारत की यात्रा पे भी आए थे, और यहाँ की राजधानी है ओटावा।
कनाडा के बारे में एक बात और याद रखिए, यहाँ पे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर है जो मॉन्ट्रियल शहर में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये एक गीता नाम का चक्रवात आया था, गीता नाम का साइक्लोन आया था, ये कौन से कंट्री में आया था और वहां पे काफी तबाही मचाई है इसने, इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक 6.5 करोड़ रुपए यानी $1 मिलियन का असिस्टेंस दे रहा है, आर्थिक सहायता दे रहा है। ये देश है टोंगा, टोंगा की राजधानी है नुकू अलोफा, NUKU ALOFA, नुकू अलोफा। और एक अभी चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में भी आया है, उसका नाम है केल्विन, केल्विन ये ऑस्ट्रेलिया में आया है, और गीता आया है टोंगा में, और जो केल्विन भी आया है, बस दोनों याद रख लीजिए। कौन से भारत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने एकल खिताब जीत लिया मैन सिंगल ऑस्ट्रियन ओपन इंटरनेशनल चैलेंज। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, वियना हेडक्वार्टर है ओपेक का, ओपेक बोलते हैं जो तेल निर्यात करने वाले कंट्री हैं जैसे वेनेजुएला, अंगोला, सऊदी अरब, इराक, ईरान, ये सब ओपेक का हिस्सा है। इनकी ये खिलाड़ी हैं परुपल्ली कश्यप। इनमें से कौन से राज्य की सरकार ने उर्दू भाषा के विकास के लिए एक काउंसिल बनाया है, ये राज्य है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और एक बात और याद रखिए, एक राज्य है तेलंगाना जो भारत का 29वां राज्य है, सबसे नया राज्य है। तेलंगाना ने उर्दू भाषा को अपनी दूसरी भाषा का दर्जा दे दिया है तेलुगु के बाद। वैसे तेलंगाना में बोली जाती है तेलुगु, लेकिन उर्दू अब यहाँ पे सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये दर्जा दिया है तेलंगाना की सरकार ने। जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो है किश्तवार नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर में हमेशा वार चलता रहता है, तो ऐसे याद रखने का तरीका है KISHT, किश्तवार नेशनल पार्क है, जहां वॉर होती है वहां पे होता है गम, खुशी नहीं होती, गमी गम होता है। तो दूसरा है यहाँ पे डची गम नेशनल पार्क, ठीक है, इस तरह से याद रख लो। एक है यहाँ पे डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, और एक है यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो है हंगुल, जिसे हम कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं, कश्मीरी स्टैग। कौन सा राज्य है भारत का जिसने निवेश मित्र लॉन्च करा है, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं सरकारी प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट उनको डिजिटली क्लियर करेगा, यानी जल्दी जल्दी स्पीड अप करेगा, निवेश मित्र। इससे पहले होता था उद्योग बंधु, इसको खत्म कर दिया गया है, इसकी जगह आ गया निवेश मित्र। ये करा है उस राज्य ने जहां पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहां पे एक दूधवा नेशनल पार्क भी है। किसकी बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश, राम नायक यहां के गवर्नर हैं, योगी आदित्यनाथ यहां के मुख्यमंत्री हैं, इनका असली नाम है अजय बिष्ट, और इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आधार कार्ड चलाता है भारत में, UIDAI, इसने एक बच्चों के लिए बाल आधार बनाया है, बाल आधार बच्चों के लिए। ये कौन सी उम्र, मतलब बच्चा इतने से कम उम्र का होना चाहिए तब उसके पास बाल आधार कार्ड होएगा, तो ये बच्चा 5 साल से कम उम्र का होना चाहिए। इसके बारे में 2-3 चीजें और बता देता हूं। इसका रंग है नीला, बाल आधार का जो रंग है वो है नीला, और जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो उसकी होगी पहली बायोमेट्रिक अपडेट, ठीक है, और जब बच्चा 15 साल का हो जाएगा तो उसकी होगी दूसरी बायोमेट्रिक अपडेट। मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी जी का निधन हो गया था, ये कहां से थी, इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ था, ये तमिलनाडु से थी। असम की सरकार ने डिसाइड करा है कि वो गेंडा दिवस मनाएंगे, राइनो डे, राइनो बोलते हैं गेंडे को, और असम में मिलता है एक सींग का गेंडा, वन हॉर्न्ड राइनो बोलते हैं, और ये असम का स्टेट एनिमल भी है। असम में ये पाया जाता है मनास नेशनल पार्क में और काजीरंगा नेशनल पार्क में, तो ये बनाएंगे 22 सितंबर को हर साल अब से राइनो डे। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में एक डांस होता है जिसको बोलते हैं बीहू, और यहाँ पे सोनई रुपई एक नेशनल पार्क भी है, और दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क भी है, नामेरी नेशनल पार्क भी है, इसके अलावा आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और है जो एक बार आई थी एग्जाम में, बार नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन से राज्य की सरकार ने वर्जिन ग्रुप के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा है हाइपर लूप बनाने के लिए? ये हाइपर लूप कहां से कहां तक बनेगा? ये मुंबई से पुणे तक बनेगा, मुंबई से पुणे, ये बनेगा महाराष्ट्र में, और कंपनी का नाम है वर्जिन ग्रुप, जिसके चेयरमैन है रिचर्ड ब्रेंसन। ये भारत का पहला हाइपर लूप नहीं है, इससे पहले आंध्र प्रदेश में भी विजयवाड़ा से लेके अमरावती तक हाइपर लूप की बात हुई थी। अब वो बन रहा है नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन बात पहले हुई थी विजयवाड़ा से अमरावती तक की, अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने अगर किसी 12 साल से कम लड़की का रेप होता है तो उसके लिए मृत्यु दंड देने का प्रावधान करा है? कौन सा राज्य है? अब इसमें देखो कौन सा पूछें उस हिसाब से मार्क करना है। सबसे पहला राज्य था मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा, चौथा अरुणाचल। तो अभी शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी का निधन हो गया,
ये 69th पॉन्टिफ थे। कौन से मठ की बात हो रही है? ये है कांची मठ। कांची मठ है ये, इसको कांची कामाकोटी पीठम भी बोलते हैं, और ये आदि शंकराचार्य जी ने बनाया था 8वीं शताब्दी में। अब इनकी जगह कौन लेगा? विजेंद्र सरस्वती। मैं रिपीट करता हूं, विजेंद्र सरस्वती। कौन सी टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? इसमें कर्नाटक ने सौराष्ट्र को हराया, तो सौराष्ट्र को हराया कर्नाटक ने, कर्नाटक ने जीती विजय हजारे ट्रॉफी। बात हो रही है क्रिकेट की। इनमें से किस खिलाड़ी को लॉरीज वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड देकर सम्मानित किया गया? याद रखिए, लॉरीज ने अपना पहला भारत का एम्बेसडर बनाया है युवराज सिंह को। युवराज सिंह बने हैं लॉरीज के पहले स्पोर्ट्स एम्बेसडर, और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर है रॉजर फेडरर। 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 20 साल जीत चुके हैं, और बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। इसके अलावा ये जो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, वो मिला सेरेना विलियम्स को। सेरेना विलियम्स भी टेनिस खेलती हैं, अमेरिका की खिलाड़ी हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है एडविन मोजेस को। एडविन मोजेस, कौन सा राज्य है जिसने सूर्य किरण एक्सरसाइज को होस्ट करा? भारत और नेपाल के बीच 13वीं सूर्य किरण एक्सरसाइज को होस्ट किया पिथौरागढ़ ने। ये पिथौरागढ़ वही जगह है जहां से कैलाश मानसरोवर का रास्ता निकलता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, और इनके जीवन पे एक किताब लॉन्च हुई है, खैरसेन का सूरज। खैरसेन का सूरज, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड का जो एनिमल है, स्टेट एनिमल, वो है मस्क डियर, कस्तूरी मृग बोलते हैं इसे, मस्क डियर। और उत्तर प्रदेश का है स्वाम्प डियर यानी बारासिंगा, और मध्य प्रदेश का भी है बारासिंगा यानी स्वाम्प डियर, और तेलंगाना का है सिर्फ डियर यानी हिरण। तो मस्क डियर अलग होता है, स्वाम्प डियर अलग होता है, और डियर अलग होता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और उत्तराखंड के जो गवर्नर है वो है के पॉल। इनमें से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे यंग कैप्टन कौन बने हैं? सबसे यंग अफगानिस्तान के कैप्टन है, नाम है रशीद खान। फेसबुक ने एक इंडेक्स दिया है जिसका नाम है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। इसमें 86 देश हैं, इसमें भारत की क्या रैंक है? भारत की रैंक है इसमें 47। नंबर वन कंट्री है इसमें स्वीडन। कौन सा लेक है जिसमें सबसे ज्यादा इरावड्डी डॉल्फिन पाई गई है दुनिया में? भारत का लेक है ये, क्या नाम है इसका? चिल्का लेक। चिल्का लेक कहां है? उड़ीसा में है, उड़ीसा। और ये इरावड्डी नदी कहां पे, अगर पूछ लो तो इरावड्डी नदी है म्यांमार में। तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है, आपको ये बताना है ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन सा गैस फील्ड है तुर्कमेनिस्तान का जहां से गैस भरी जाएगी पाइप के अंदर? ये है गलकैनिश प्रोजेक्ट, गलकैनिश ऑयल फील्ड। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, चार कंट्री हैं इसमें। और ये कहां कहां से आएगा? सबसे पहले गलकानिश में जो तेल का कुआं है वहां से गैस निकलेगी, फिर ये आएगा अफगानिस्तान के हेरात में, वहां से आएगा कंधार में, फिर आएगा ये मुल्तान में, वहां से कैटा पाकिस्तान में, फिर आएगा पंजाब के फजिलका में। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसका नाम है शक्ति स्थल, ये कहां पे बना है? ये बना है पावगाड़ा में। पावगाड़ा कहां है? पावगाड़ा है टुमकुर में। और टुमकुर कहां है? टुमकुर है कर्नाटक में। कर्नाटक, केरल और झारखंड, तीनों का स्टेट एनिमल है एलिफेंट। कर्नाटक में भारत में सबसे ज्यादा एलिफेंट है, सबसे ज्यादा टाइगर है। ये दोनों पिछले साल गन्ना हुई थी उसमें आया था। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, और यहाँ पे लिंगायत समुदाय को एक माइनॉरिटी रिलीजन का दर्जा दिया है, और कोडावाज मांग कर रहे हैं अब उनको भी दिया जाए। कोडावा ट्राइब जो कोडागु में रहते हैं, कोडागु और चिकमंगलूर में कॉफी बहुत ज्यादा होती है। कर्नाटक लीडिंग प्रोड्यूसर है भारत में कॉफी का, और मिलेट जिसको बोलते हैं बाजरा, बाजरा और कॉफी सबसे ज्यादा होती है कर्नाटक में। और 2018 को भारत की सरकार ने ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में इनमें से किसकी लिमिट है वो रिमूव हो गई है। ये लिमिट है एमएसएमई की, एमएसएमई। तो पहले लिमिट ये थी 5 करोड़ और 10 करोड़, मतलब अलग अलग बैंकों की जो है, जो स्मॉल माइक्रो एमएसएमई, राइट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होते हैं। माइक्रो और स्मॉल के लिए लिमिट थी 5 करोड़, मीडियम के लिए थी 10 करोड़। अब ये लिमिट हटा ली है, अब बैंक ज्यादा ज्यादा लोन दे सकते हैं एमएसएमई सेक्टर को। एमएसएमई मंत्री हैं गिरिराज सिंह। ताल मेमोरियल रैपिड चेस टाइटल किसने जीता है? इनका नाम है विश्वनाथन आनंद। ये तमिलनाडु के हैं, 5 बार वर्ल्ड चैंपियन है। एक इंपॉर्टेंट बात, ताल मेमोरियल जो है ये मिखाइल ताल के नाम पर रखा गया है जो पूर्व वर्ल्ड चैंपियन है, और विश्वनाथन आनंद ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीती जो सऊदी अरब में हुई थी, और वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप जीती थी मैग्नस कार्लसन ने, और वर्ल्ड चैंपियन है मैग्नस कार्लसन दोनों। तो ब्लिट्स और वर्ल्ड चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, और रैपिड चैंपियन है विश्वनाथन आनंद, और ताल मेमोरियल चैंपियन भी है विश्वनाथन आनंद। इसके अलावा एक खिलाड़ी है भारत के जिनका नाम है भास्करण अधिबान,
इन्होंने जीती है रेकी आविक मेमोरियल। रेकी आविक जो टूर्नामेंट था, जो आइसलैंड की राजधानी है रेकी आविक, वहां पे हुआ था, ये जीता भास्कर नदीमान ने। IBSF स्नूकर टीम वर्ल्ड कप किसने जीता, जो कतर की राजधानी दोहा में हुआ था, दोहा में होगा 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप। इसमें भारत की तरफ से, ये तो सबको पता है, पंकज अडवाणी है। और ये इनके साथ कौन है, इनके साथ जो खिलाड़ी हैं ये हैं मनन चंद्र। और भारत ने हराया पाकिस्तान को। कौन से राज्य की सरकार ने खुशी स्कीम लॉन्च करी है, जिसमें फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटे जाएंगे स्कूल की गर्ल्स को। ठीक, ऐसी स्कीम शी पैड स्टार्ट करी थी केरल की सरकार ने, और खुशी स्कीम स्टार्ट करी है उड़ीसा की सरकार ने। गोवा की सरकार ने बिल्कुल ऐसी स्कीम स्टार्ट करी हुई है, उसका नाम है स्त्री सखी, स्त्री सखी। और महाराष्ट्र की सरकार ने स्टार्ट करी है अस्मिता योजना, इसमें बहुत सस्ते दामों में सैनिटरी नैपकिन बांटे जा रहे हैं, अस्मिता योजना। तो ये है यहां पे टेबल, खुशी उड़ीसा, शी पैड केरल, अस्मिता योजना महाराष्ट्र, और स्त्री सखी गोवा। लंडन हाउस ऑफ कॉमन, जैसे भारत में लोकसभा होता है, वहां पे वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट जो है यूके की, उसमें हाउस ऑफ कॉमन होता है, और जैसे भारत में राज्यसभा होता है वैसे वहां पे होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो भारत में जो निचला सदन है लोअर हाउस, वो है लोकसभा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, इनका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। कौन सी फिल्म ने ऑस्कर जीता है बेस्ट फिल्म का, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सुपर ईजी भी है। ये है द शेप ऑफ वाटर। इसको डायरेक्ट करा है गिलर्मो डेल टोरो, जिनकी फोटो आप देख सकते हैं, ये मैक्सिको के हैं। तो ये सारी चीजें याद रखिए, बेस्ट डायरेक्टर है शेप ऑफ वाटर के लिए गिलर्मो डेल टोरो मैक्सिको के, बेस्ट एक्टर है गैरी ओल्डमैन डार्केस्ट आवर, इन्होंने विंस्टन चर्चिल की भूमिका निभाई, बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉरमांड थ्री बिलबोर्ड आउटसिंग एविंग मसूरी के लिए, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। कौन से राज्य की सरकार ने एक मोबाइल वीडियो वैन सर्विस स्टार्ट करी है, जिसका नाम है अमा गांव अमा विकास, इसको उड़ीसा की सरकार ने शुरू करा है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, पार्टी का नाम है बीजू जनता दल, और उड़ीसा का जो स्टेट एनिमल है वो है सांबर। यहाँ पे आपको ओलिव रिडली टर्टल भी मिलेंगे, जो गहिरमठ बीच पर मिलेंगे। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में महानदी डिस्प्यूट चल रहा है, महानदी वाटर डिस्प्यूट, और यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ पे हॉकी का वर्ल्ड कप खेला जाएगा 2018 का। एक बुक रीडिंग इवेंट हुआ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया, कहाँ पे हुआ ये, इसमें 7,000 लोगों ने एक साथ किताब पढ़ी, ये हुआ गढ़चिरौली में। गढ़चिरौली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये महाराष्ट्र में है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये नक्सल प्रभावित एरिया है गढ़चिरौली, और यहाँ पे ये इवेंट हुआ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है जिसका नाम है घोड़ाजारी, ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बना है। महाराष्ट्र का एक डांस भी है जिसको बोलते हैं लावणी, और महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल है गिलहरी, जायंट स्क्वेरल। मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हरसिमरत कौर बादल ने उद्घाटन करा महाराष्ट्र के पहले मेगा फूड पार्क का, कहाँ पे बना ये, ये बना सतारा में, और ये 12वां मेगा फूड पार्क है जो भारत में खुला। सतारा में कहाँ, तो गांव का नाम है देवगान। ग्लोबल फायर पावर लिस्ट 2017 के हिसाब से भारत की क्या रैंक है दुनिया में मिलिट्री में, यानी 133 कंट्री में भारत की मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है। सबसे स्ट्रांग जो है वो है अमेरिका की, फिर है रशिया की, फिर है चाइना की, तो भारत की है चौथे नंबर पे, फोर्थ। भारत की मिलिट्री फोर्थ सबसे स्ट्रांग है दुनिया में। कृष्णा कुमारी कोहली, ये हिंदू दलित वुमेन बनी पहली पाकिस्तान में, जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया है, ये कहां से बनी, तो आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहां, तो आंसर है थार, और इनकी पार्टी है बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उस मालवेयर, उस वायरस का क्या नाम है जो हमारी साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज ने डिटेक्ट करा है, ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उन पे कब्जा करके उनको रोबोट की तरह इस्तेमाल कर सकता है, और बार बार सर्वर को पिंग करवा के सर्वर को क्रैश करवा सकता है, इसका नाम है सापोशी। और इस तरह के अटैक को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, यानी DDoS अटैक, DDoS अटैक। शिगमोत्सव फेस्टिवल, ये कहां पे सेलिब्रेट किया गया, इसको सेलिब्रेट किया गया गोवा में, और ये होली के एक दिन बाद मनाया जाता है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर हैं और मृदुला सिन्हा यहां की गवर्नर है। गोवा और कर्नाटक के बीच में मांडोवी रिवर को लेकर लड़ाई चल रही है। मांडोवी रिवर को गोवा में बोलते हैं मांडोवी, कर्नाटक में बोलते हैं इस नदी को महादाई। कौन सी टीम है जिसने नेशनल टेनिस चैंपियनशिप जीत ली, ये छत्तीसगढ़ में हुई थी। छत्तीसगढ़ का जो स्टेट एनिमल है वो है वाइल्ड बफेलो, और यहां की राजधानी है नया रायपुर। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बलराम दास टंडन है गवर्नर, पार्टी है BJP। यहां पे एक नेशनल पार्क है कांगर वैली नेशनल पार्क। तो यहां बात हो रही है महाराष्ट्र की। मेघालय के मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली, ये मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं, इनका नाम है कॉनराड संगमा, और गंगा प्रसाद है यहाँ के गवर्नर मेघालय के। यहाँ की राजधानी है शिलोंग,
और इनकी पार्टी का नाम है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। मुकुल संगमा को रिप्लेस करेंगे ये, और मेघालय के हैं। तो मेघालय जो है, इसका जो स्टेट एनिमल है वो है क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड मतलब तेंदुआ, और इसको स्नो लेपर्ड से कंफ्यूज मत करना। स्नो लेपर्ड स्टेट एनिमल है हिमाचल प्रदेश का। यहाँ पे खासी, गारो और जयंतिया की पहाड़। पहली महिला कौन बनी है जिन्हें इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने सीधे लड़ाई के लिए जो ऑफिसर होते हैं, कॉम्बैट ऑफिसर, उसमें डायरेक्ट एंट्री दे दी है। इनका नाम है प्रकृति। ये बिहार के समस्तीपुर से हैं, और आर के पचनंदा ये हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के चीफ। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स भारत और चीन का बॉर्डर, उसकी रक्षा करती है, और एक है सशस्त्र सीमा बल जो भूटान और नेपाल का बॉर्डर है उसकी रक्षा करते हैं। सशस्त्र सीमा बल पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर, उसकी रक्षा करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल, और म्यांमार से हमारा बॉर्डर प्रोटेक्ट करती है असम राइफल्स। कौन से राज्य का बिजली विभाग है जिसने एक पिंक इलेक्ट्रिसिटी जोन बनाया है जिसका संचालन करेंगी सिर्फ महिलाएं? पिंक इलेक्ट्रिसिटी जोन, इसमें 25 महिला स्टाफ होंगी, ये बना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिन्होंने एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया था। यहाँ की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है फेमस, जिसको बोलते हैं घाटी गांव। एक हो रहा है नरसिंहगढ़ और एक है ओरछा। तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क है कान्हा, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, वन विहार इत्यादि। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं नंदीबेन पटेल, और स्टेट एनिमल है बारहसिंगा यानी स्वाम्प डियर। कौन से राज्य की सरकार ने अपना खुद का झंडा बना लिया है, इसका नाम है नाद ध्वज। ये दूसरा राज्य है भारत का जिसने अपना खुद का झंडा बनाया है। पहला था जम्मू कश्मीर, दूसरा है कर्नाटक, दूसरा है कर्नाटक। और इसके रंग देख ले सकते हैं आप, ये रंग ऊपर है इसमें येलो और नीचे है रेड, तो ये इनका अपना खुद का इन्होंने बना लिया है। हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन अभी अभी कहाँ खुला है? ये खुला है गुड़गांव में, जिसको बोलते हैं गुरुग्राम। हरियाणा में एक है कलेसार नेशनल पार्क और एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पे कुरुक्षेत्र में एक चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कुरुक्षेत्र वही जगह है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। और हरियाणा में एक वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी बनी है, ये बनी है सोनीपत में। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, कप्तान सिंह सोलंकी हैं गवर्नर। कौन से भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें प्राइड ऑफ बर्मिंगम अवार्ड मिला है? प्राइड ऑफ बर्मिंगम मिला है हैरी अटवाल को, जो बार्सिलोना में आतंकवादी हमला हुआ था उसमें इन्होंने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाई। कौन सा मंत्रालय है जिन्होंने सुखद यात्रा ऐप लॉन्च करी है? इसको लॉन्च करा NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अधीन आता है। नितिन गडकरी इसके मंत्री हैं, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत में स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे बनाता है NHAI, और जो बॉर्डर और पहाड़ों पर रास्ता बनाता है वो बनाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी है नई दिल्ली में। NHAI के चेयरमैन पूछे कौन है, तो आंसर है दीपक कुमार। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपना हेडक्वार्टर चेन्नई से शिफ्ट करके कहां कर दिया है? इन्होंने ये बल्लमगढ़ में कर दिया है, हरियाणा में। बल्लमगढ़ का नया नाम है बलरामगढ़, बलरामगढ़। और हरियाणा में एक अमीन गांव है, इसका नाम पलट के हो गया है अभिमन्युपुर, अभिमन्युपुर। और गुड़गांव का नाम पलट के हो गया है गुरुग्राम। कौन से राज्य की सरकार ने जो PDS के थ्रू हम जो भी रेशन लेते हैं, चाहे वो चावल हो चाहे वो गेहूं वगैरह हो, उसकी होम डिलीवरी स्टार्ट करी है? ऐसा करने वाला है दिल्ली। दिल्ली का स्टेट एनिमल जो है वो है नीलगाय, नीलगाय। मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, और गवर्नर है अनिल बैजल। इनमें से उस बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन का क्या नाम है जो भारत सरकार ने लॉन्च करा है? रसायन मंत्रालय ने, यानी रसायन और खाद मंत्रालय। यूनियन केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री हैं ये, इनका नाम है अनंत कुमार, इसका नाम है सुविधा। और ये 2.5 रुपए का एक है, और एक पैकेट में आएंगे 4, यानी 10 रुपए का एक पैकेट है। ये एक बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन है, बहुत ही सस्ते दामों में जो लॉन्च किया गया है। ये आपको जन औषधि स्टोर पे मिलेंगे। कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय का अतिरिक्त भार दे दिया गया है? ये हमारे वाणिज्य मंत्री भी हैं, इनका नाम है सुरेश प्रभु। कौन सी टीम है जिसने आई लीग का खिताब जीत लिया? इसको जीतने वाली टीम है मिनर्वा पंजाब फुटबॉल क्लब, ये पहली, इनका पहला टाइटल है ये आई लीग का। इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल लेबोरेटरी इम्फाल ने एक तैरती हुई प्रयोगशाला, फ्लोटिंग लेबोरेटरी बनाया है। ये फ्लोटिंग लेबोरेटरी कौन से लेक पे बनी है? ये लेक है लोकटक लेक, और ये मणिपुर में है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और ये दूसरी भारत की तैरती हुई लेबोरेटरी है, पहली बनी थी असम के ब्रह्मपुत्र रिवर पे। इनमें से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB का डायरेक्टर जनरल कौन बना है? इनका नाम है सितांशु कार, और ये रिप्लेस किसको करेंगे? फ्रैंक नोरोनिया को, फ्रैंक नोरोनिया। प्रधानमंत्री मोदी ने
अभी अभी लॉन्च करा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन का विस्तार और राष्ट्रीय पोषण मिशन, कहाँ पे लॉन्च करा ये? इन्होंने लॉन्च करा झुंझुनू राजस्थान में, झुंझुनू राजस्थान। और राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है इसके अपने टारगेट है जो बच्चों में लगभग 38.5% के आसपास जो हाइट कम होती है, जो स्टंटिंग होती है उसको कम करके हमें करना है 25%, और दूसरा हमें जो लो बर्थ वेट है और जो कुपोषण है उसको कम करना है हर साल 2%। ये टारगेट है राष्ट्रीय पोषण मिशन का। इनमें से जो प्रिट्जकर प्राइज होता है ये 45वां भारत के कौन से आर्किटेक्ट ने जीता है, इसको एक तरह से नोबेल प्राइज बोलते हैं आर्किटेक्चर का, क्या नाम है इनका? इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है भारत जिसका 69th मेंबर बना है? ये ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, EBRD, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, और इस बैंक की प्रेसिडेंट कौन है? सुमा चक्रवर्ती। सुमा चक्रवर्ती। ये बैंक बना था 1991 में। एक प्रोग्राम है जिसका नाम है विजन फॉर फ्यूचर, ये आयोजित किया गया भारत के कौन से देश के साथ? 70 साल हो गए हैं टाइज के, डिप्लोमेटिक टाइज, राजनीतिक संबंध के, तो ये रशिया के साथ हमारे हो गए। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 साल के लिए दोबारा बन गए हैं। रशिया का राष्ट्रपति 6 साल के लिए चुना जाता है, अमेरिका का राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुना जाता है, याद रखिए, और भारत का 5 साल के लिए। तो इनका एवरेज ले लो तो भारत का 5 साल के लिए। और रशिया की राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूबल, और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। यहाँ पे एक जगह है जिसे बोलते हैं रेड स्क्वायर। इनमें से उस एक्सरसाइज का क्या नाम है जो भारत की ईस्टर्न नेवल कमांड ने करी है? भारत की 3 नेवल कमांड है, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न। साउदर्न का हेडक्वार्टर है कोची में, वेस्टर्न का है मुंबई में, ईस्टर्न का है विशाखापट्टनम में। तो ये है भारत की 3 नेवल कमांड। और ईस्टर्न नेवल कमांड ने जो एक्सरसाइज करी है वो है एनकोर, इसकी फुल फॉर्म है ईस्टर्न नेवल कमांड ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। वेस्टर्न नेवल कमांड ने करी है पश्चिम लहर। कौन सा राज्य है जिसे नारी शक्ति पुरस्कार मिला है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, जिसकी मंत्री है मनेका गांधी? ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं, और इनके बेटे वरुण गांधी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। तो ये पंजाब की सरकार को मिला है नारी शक्ति पुरस्कार। महानदी वाटर डिस्प्यूट, जो महानदी रिवर विवाद है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में, इसको सुलझाने के लिए एक ट्राइब्यूनल बना है, इस ट्राइब्यूनल के चेयरमैन कौन होंगे? इसके चेयरमैन हैं जस्टिस AM खानविलकर। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में और पंजाब में आपस में विवाद चल रहा है शाहपुर कंडी डैम को लेकर, शाहपुर कंडी डैम को लेकर विवाद चल रहा है जम्मू कश्मीर और पंजाब में। बिहार और झारखंड में विवाद चल रहा है नॉर्थ कोयल नदी पर बनने वाले डैम को लेकर, नॉर्थ कोयल नदी। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विवाद चल रहा है जमरानी डैम को लेकर, JAMRANI, जमरानी डैम। इनमें से कौन सा राज्य है जहां पे 12 साल के बाद टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है कि यहां पे राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप खेली जाएगी? ये इसका 80वां अध्याय होगा। ये राज्य है उड़ीसा, उड़ीसा में होगी। कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च करी है स्कीम विकास शी प्लस महिला उद्यमियों के लिए? ये बैंक है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, और इस स्कीम के तहत महिलाएं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकती हैं और उसे 5 साल में चुका सकती हैं। भारत का सबसे ऊंचा झंडा टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग कहां पे फहराया गया? ये फहराया गया कर्नाटक के बेलागावी में, कर्नाटक के बेलागावी में। इसका जो ये डंडा है ये है 110 मीटर का। कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72 मीटर, तो आप देख लो ये डंडा कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। और ये जो ध्वज है इसका जो एरिया है, एरिया वो है 9600 स्क्वायर फीट। कौन सी पहली महिला बनी है जिनको अकेडमी अवार्ड मिला है नोबेल पीस के लिए? इनका क्या नाम है? इनका नाम है कैटजिया डेविड प्रकाशम, और ये कोयम्बटूर से हैं, कोयम्बटूर है तमिलनाडु में। उस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ यानी आपदा प्रबंधन की एक्सरसाइज है जो भारतीय एयरफोर्स ने कंडक्ट करी केरल में, इसका नाम क्या था? इसका नाम था संवेदना, और इसमें काफी कंट्री आए थे, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और UAE भी आया था। कौन सा कंट्री है जिन्होंने अपनी एक हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ी है जिसका नाम है किंजल? इसको इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, ये किया इन्होंने, ये कंट्री है रशिया। रशिया का एक रॉकेट भी है जिसे बोलते हैं सोयूज, और रशिया की स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं ये, इससे पहले बिहार के गवर्नर भी थे ये। इन्होंने वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग का उद्घाटन करा, कौन से देश में बनी है ये बिल्डिंग? ये बनी है मॉरिशियस में, मॉरिशियस की राजधानी है पोर्ट लुइस। यहाँ पे स्पाइसजेट कंपनी ने अपना पहला फ्लाइट उड़ाया पैक्योंग एयरपोर्ट तक। पैक्योंग एयरपोर्ट कहाँ पे है? पैक्योंग एयरपोर्ट है सिक्किम में, और सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पवन चैमलिंग। सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है, और सिक्किम भारत का पहला खुले में शौच मुक्त यानी ओपन डिफिकेशन फ्री राज्य है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम में आपको मिलेगा
कंचनजंगा पर्वत जो 8000 जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। भारत के गृह मंत्रालय ने एक भारत का पहला नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग बनाया है। कहाँ पे बनाया है? इसको बनाया गया है गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। विजय रूपानी यहाँ के सीएम है। और गुजरात में एक पोर्ट है बंदरगाह जिसको बोलते हैं दहेज, एक है कांडला, एक है मुंद्रा, एक है जाफराबाद। टोटल भारत में 13 मेजर पोर्ट है और 200 से ज्यादा माइनर पोर्ट है। तो आंसर है गुजरात। कौन सा भारत का यूनियन टेरिटरी है जो पहला यूनियन टेरिटरी बना है, केंद्र शासित प्रदेश, जहां पे 100% जो बिजली है वो सोलर एनर्जी है। तो जितनी भी यहाँ पे लाइट जलती है सब सोलर एनर्जी से जलती है। ऐसा करने वाला सिर्फ दीव है। दीव बहुत छोटा है, सिर्फ 42 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपना 33वां इंसेप्शन डे मनाया, यानी इसको बने हुए 33 साल हो गए, और इस उपलक्ष्य में उन्होंने एक मोबाइल ऐप भी बनाया जिसका नाम है सिटीजन सर्विसेज। इसको बनाया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने, एनसीआरबी ने। एनसीआरबी के डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर इश कुमार। कौन सी टीम है जिसने सुल्तान अजलन शाह कप जीत लिया? ये मलेशिया के इपो शहर में हुआ था। इसको जीता ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने हराया इंग्लैंड को, और थर्ड थी अर्जेंटीना। कौन से राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कोष बनाया है जिसमें जो अनमैरिड महिला है 50 साल से ज्यादा उम्र की उनको पेंशन दी जाएगी? ये डिसीजन लिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। भारत की क्या रैंक है 156 कंट्रीज में, जिसे बोलते हैं यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, इनकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कौन सा देश कितना खुश है? दुनिया का सबसे खुश देश जिसकी रैंक 1 है वो है फिनलैंड। दुनिया का सबसे दुखी देश जिसकी रैंक है 156 कंट्रीज में वो है बुरुंडी। भारत की रैंक है 133, पाकिस्तान की है 75। कौन सी भारत की फिल्म है जिसे मिला है ग्रां प्री दे मॉन्ट्रियल ऑनर? 21वां फेस्टिवल जो मॉन्ट्रियल फिल्म फेस्टिवल था कनाडा में हुआ, वहां पे मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर भी है, और इस फिल्म का नाम है हल्का। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर है नीला मधाब पांडा। लोकसभा ने ग्रेचुटी को बढ़ा दिया है। पहले था 10 लाख जो टैक्स फ्री ग्रेचुटी है, 10 लाख से बढ़ा के कर दिया कितना, ये कर दिया 20 लाख। अब अगर किसी कंपनी में आप 5 साल से ज्यादा काम करते हो तो आपको ग्रेचुटी मिलेगी टैक्स फ्री। पहले थी 10 लाख लिमिट, अब है 20 लाख। कौन सी शॉर्ट फिल्म है भारत की जिसे बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला लॉस एंजलिस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में? इस फिल्म में जैकी श्रॉफ ने भूमिका निभाई है, और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं चिंतन शारदा। इस फिल्म का नाम है शून्यता। रिजर्व बैंक जो भारत का है उन्होंने किस चीज को डिसकंटिन्यू कर दिया है? आपको याद होगा नीरव मोदी ने LOU लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है वो साइन करवाया पंजाब नेशनल बैंक से, और उसे स्विफ्ट के थ्रू भेज दिया विदेशी बैंकों को, और पैसा लेके फरार हो गया। तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और लेटर ऑफ कंफर्ट दोनों को बैन कर दिया है। तो आंसर है 3 और 4। लेकिन याद रखिए लेटर ऑफ क्रेडिट चलता रहेगा। लेटर ऑफ LOU और LOC, सी फॉर कंफर्ट, ये वाले दोनों बंद कर दिए। सिप्री जिसे बोलते हैं स्टॉकहोम, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हिसाब से पिछले 5 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश कौन सा था? जितने भी हथियार खरीदे गए पूरी दुनिया में उसके 12% इस देश ने खरीदे। ये देश है भारत। भारत ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे रशिया से, फिर खरीदे अमेरिका से, फिर खरीदे इसराइल से। 15वां फाइनेंस कमीशन अभी इसने अपनी मीटिंग करी पहली। 15 फाइनेंस कमीशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 से। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन होंगे NK सिंह। फाइनेंस कमीशन ये बताता है कि जो भी टैक्स इकट्ठा होता है उसका कितना परसेंट राज्यों को बांटा जाए केंद्र द्वारा। अभी जो लिमिट है वो है 42%। नीति आयोग जो है उसने सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन नाम का एक इनिशिएटिव शुरू करा। इसमें कौन सा राज्य कवर्ड नहीं है? इसमें जो राज्य कवर्ड हैं वो हैं झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार इनमें अभी नहीं है। और ये है क्या 7E? 7 दो तरह का है, एक एजुकेशन और एक हेल्थ केयर। इसमें कुछ राज्यों को चुना जाता है और उन्हें फिर आदर्श राज्य बनाया जाता है, रोल मॉडल राज्य दूसरों के लिए। तो इसमें 3 राज्य चुने गए हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। कौन सा कंट्री है जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से विड्रॉ कर लिया है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से विड्रॉ करा है फिलीपींस ने। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, जहां पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, और ये है फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते। जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने उद्घाटन करा नदी महोत्सव का। ये नदी महोत्सव कौन से राज्य में मनाया गया? ये होशंगाबाद में मनाया गया। होशंगाबाद में बांद्रभान नाम की जगह है वहां पर, तो ये मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट हुआ। मध्य प्रदेश की मुख्य नदी है नर्मदा। नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, फिर ये महाराष्ट्र जाती है, फिर गुजरात जाती है, फिर ये अरब सागर में गिर जाती है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जिसे बोलते हैं CII, इन्होंने एक मल्टी स्किल सेंटर बनाया है। कहाँ पे बनाया है? ये इन्होंने बनाया है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में, असम में नहीं है, याद रखिए। ये है
पश्चिम बंगाल में, और सीआईआई के डायरेक्टर कौन है? चंद्रजीत बैनर्जी, चंद्रजीत बैनर्जी। हमारे पर्यावरण मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उन्होंने इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट को इजाजत दे दी है। ये थेनी डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, लेकिन इन पहाड़ियों का क्या नाम है? इन पहाड़ियों का नाम है बोधी वेस्ट हिल्स, बोधी वेस्ट हिल, और ये है तमिलनाडु की पहाड़ियां। और यहां से मथिकेटन शोला नेशनल पार्क जो है वो 5 किलोमीटर दूर है। और अगर पूछे मथिकेटन शोला नेशनल पार्क कहां है, केरल में है, लेकिन केरल में कहां है, तो आंसर है इदुकी डिस्ट्रिक्ट। यूके गोल्डन फ्लेम अवार्ड किसे मिला? ये टंग ऑफ फायर यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल लंदन में हुआ था, इंग्लैंड की राजधानी, ये मिला मशहूर एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल को। इनमें से कौन सी भारत की पैरामिलिट्री फोर्स है जिन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम है उमंग? अगर आप अपना एयरपोर्ट पे सामान छोड़ देते हो तो आपको इस ऐप पे मिल जाएगा, इस ऐप पे उसकी जानकारी मिल जाएगी। इसको बनाया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने, जो हमारे एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस ऐप का नाम है उमंग। कौन सा राज्य है जो बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य है, जिसने मनरेगा को सबसे अच्छे से लागू करा है और जॉब्स वगैरह सबसे अच्छे एलोकेट करे हैं? ऐसा करने वाला राज्य है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन करा 105वें राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस का। इस बार इसका थीम था रीचिंग द अनरीच थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहां पे ये फेस्टिवल मनाया गया? ये मनाया गया इम्फाल में। इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसको वनडे इंटरनेशनल खेलने का मतलब वनडे स्टेटस मिल गया है, अब ये वनडे मैचेस खेला करेगा? इन्होंने पपुआ न्यू गिनी को हराया, ये देश है नेपाल। अब बहुत जल्दी आप नेपाल को वर्ल्ड कप खेलते हुए देखेंगे, मतलब वनडे मैचेस खेलते हुए देखेंगे। फीफा जो है, फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है और इसके प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो। ये फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। इसने 30 साल का बैन लगाया था एक कंट्री पे कि ये फुटबॉल नहीं खेलेंगे, अब वो बैन हटा दिया है। कौन से कंट्री पे लगाया था? ये कंट्री है इराक, इराक पे बैन लगाया था। कौन से भारत के चेस प्लेयर हैं जिन्होंने रेकियाविक ओपन जीत लिया? इनका नाम है भास्करण अधिबान। रेकियाविक आइसलैंड की राजधानी है। कौन सी टीम ने चौथा हीरो इंडियन सुपर लीग टाइटल जीत लिया? इन्होंने फाइनल में हराया बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को, ये है चेन्नईन फुटबॉल क्लब। और सुनील छत्री को मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी हीरो, हीरो का अवार्ड, हीरो ऑफ आईएसएल का अवार्ड। और सबसे ज्यादा गोल मारे फेरान कोरोमिनास तलाचिया ने, ये गोवा फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी हैं। नाम है FCT, फेरान कोरोमिनास तलाचिया। इंडियन नेवी ने मिलिट्री एक्सरसाइज करी है वरुण, ये किसके साथ करी है? ये इन्होंने करी है फ्रांस के साथ, फ्रांस के साथ। हमारे रसायन और खाद्य मंत्री अनंत कुमार ने अनाउंस करा कि भारत एक प्लास्टिक पार्क बना रहा है। ये प्लास्टिक पार्क बनाएगा सिपेट यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पे बनेगा ये? ये बनेगा देवगढ़ में, देवगढ़ है झारखंड में। झारखंड में एक डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डलमा, और यहाँ पे एक बेतला नेशनल पार्क है और पलामो टाइगर रिजर्व है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं रघुबर दास और द्रौपदी मुर्मू हैं गवर्नर। नॉर्वेन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने, इसे बोलते हैं मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज, जिसे बोलते हैं एबल प्राइज, किसे दिया है? यह दिया है कनाडा के मैथमेटिशियन रॉबर्ट लैंगलैंड को। कौन सी क्रिकेट टीम है जिन्होंने ईरानी कप जीत लिया? ईरानी कप जीता है विदर्भ ने। ईरानी कप खेला किसके बीच में जाता है? यह खेला जाता है रणजी ट्रॉफी विनर और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में। तो विदर्भ ने जीती थी रणजी ट्रॉफी, तो विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को हरा दिया, तो आंसर है विदर्भ। विदर्भ के जो मुख्य बल्लेबाज हैं वो है वसीम जाफर। इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है, इन्होंने 18,000 रन भी बनाए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया ईरानी कप में। दुनिया का आखिरी सफेद रंग का मेल राइनोसेरोस गैंडा, इसका नाम है सुडान, ये लाइकिपिया नेशनल पार्क में मर गया। तो ये कहां पे है लाइकिपिया नेशनल पार्क? ये है कीनिया में, कीनिया। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है या शाखा है जिसने कृषि विज्ञान दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन अवार्ड जीता है? इसको जीता है कृषि विज्ञान केंद्र छत्तीसगढ़ ने, हमारे कृषि। 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी भाषा को सेलिब्रेट करने के लिए ऑब्जर्व करा? 20 मार्च, ये भाषा है फ्रेंच। सारी भाषाओं के पता होने चाहिए आपको। अरेबिक, ये 6 ऑफिशियल भाषा है यूनाइटेड नेशन की। एक है अरेबिक, अरेबिक के लिए होता है 18 दिसंबर। फिर है चाइनीज, चाइनीज के लिए होता है 20 अप्रैल। इंग्लिश और स्पेनिश दोनों के लिए होता है 23 अप्रैल और रशियन के लिए होता है 6 जून। सारे याद रखिए, 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। चाइना 20 अप्रैल याद है, तो इंग्लिश और स्पेनिश इसको ऐसे याद रख लीजिए SE, तो ये है 3 दिन बाद 23 अप्रैल को, 3 तो ऐसे याद हो गए। फिर 6 जून को रशियन, 6 जून को इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, पहले लिखिए रशिया, रशिया में कितने अक्षर हैं? 6, तो 6 जून को होता है रशियन के लिए। और अरेबिक होता है 18
दिसंबर को। 18 दिसंबर के 5 दिन बाद 23 दिसंबर को होता है किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और इसके 2 दिन बाद 25 दिसंबर को एक तो क्रिसमस डे होता है और एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, जिसको हम गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाते हैं। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिससे सिंगिंग और डांसिंग टैलेंट को खोजा जा सके, ये लॉन्च करा है दिल्ली की सरकार ने। और इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है दिल्ली's डेट विद डेमोक्रेसी, दिल्ली's डेट विद डेमोक्रेसी। इनमें से चाइना के जो सेंट्रल बैंक है, चाइना का, जैसे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसी तरह चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर कौन बने हैं? इनका नाम है ई गैंग, ई गैंग। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये है चाइना के नए सारे, चाइना के नए प्रधानमंत्री, मतलब पहले भी यही थे, दोबारा ये बन गए हैं, ली कैकियांग। वाइस प्रेसिडेंट है वैंग किशान, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। चाइना के उपराष्ट्रपति कौन है? वैंग ईशान। स्टेट काउंसलर है वैंग ई, और ये विदेश मंत्री भी बने रहेंगे, वैंग ई। और गवर्नर बने ई गैंग, ये जो सेंट्रल बैंक है चाइना का जिसको बोलते हैं पीबीओसी, इसके गवर्नर है ई गैंग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 और 1000 रुपए का एक सिक्का अभी अभी लॉन्च करा, ये कौन से फेस्टिवल को मनाने के लिए किया? ये फेस्टिवल है भगवान जगन्नाथ का त्यौहार है, ये इसको बोलते हैं नवा कलेबरा त्यौहार, उड़ीसा में मनाया जाता है। और उड़ीसा में ये त्यौहार काफी समय के बाद मनाया जाता है, मतलब 12 से 19 साल में एक बार मनाया जाता है। कौन सा कंट्री है जिसने पैरा ओलंपिक्स, यहां पर ध्यान दीजिए, पैरा ओलंपिक्स जो हुए थे प्योंगचांग विंटर पैरा ओलंपिक, इसमें मेडल टैली में टॉप किया है? ये किया है अमरीका ने। और अगर पैरा ओलंपिक वर्ड ना मेंशन करें, सिर्फ विंटर ओलंपिक्स करें, तो आंसर होगा नॉर्वे। अमरीका ने जीते 36 मेडल, जिनमें 13 थे गोल्ड मेडल। और ये मैस्कॉट है एशियन ब्लैक बियर, इसका नाम है बंदाबी। ये पैरा ओलंपिक के लिए है, और जो नॉर्मल ओलंपिक थे उनके लिए था सोहरेंग, जो कि एक वाइट टाइगर है। कौन सा कंट्री है जिसने अपनी खुद की स्पेस एजेंसी बना दी? इसका नाम है हेलेनिक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हिस्सा थे। ये देश है ग्रीस, ग्रीस की राजधानी है एथेंस, और एथेंस में हुए थे दुनिया के पहले ओलंपिक खेल 1896 में। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने 110 मेगावाट क्षमता का कौन सा, इनमें से कौन सी जगह पे हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया है जम्मू कश्मीर में? ये बना है किशन गंगा नदी पे। किशन गंगा को गंगा नदी से कंफ्यूज मत करना, गंगा नदी अलग है, उत्तरकाशी उत्तराखंड से निकलती है गंगा, फिर यूपी बिहार झारखंड बंगाल होती हुई गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। किशन गंगा अलग नदी है, किशन गंगा जो है जम्मू कश्मीर में है। किशन गंगा और गंगा मैंने आपको बता दी, दो नदी और है जिनके पीछे गंगा लगता है। एक है वैन गंगा, वैन गंगा निकलती है मध्य प्रदेश के सियोनी से, ठीक है, और एक है पैन गंगा, पैन गंगा निकलती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद से, और फिर दोनों नदियां मिल जाती हैं वर्धा में। इनमें से आपको, आप जानते हैं कि भारतीय एयरफोर्स में पहली महिला कौन थी जिन्होंने एक फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया? वो थी अवनि चतुर्वेदी, ये तो सबको पता होगा। दूसरी कौन है? दूसरी है भावना कांत, भावना कांत। तेलंगाना की विधानसभा ने एक बिल पास करा है, तेलुगु भाषा को कंपलसरी बना दिया है, कौन सी क्लास तक? 10वीं क्लास तक है तेलुगु कंपलसरी, और उर्दू भाषा को इन्होंने दूसरी भाषा का दर्जा दिया है। जी के रेड्डी मेमोरियल नेशनल अवार्ड किसे मिला जर्नलिज्म के लिए? इनका एक शो भी आता है डेविल्स एडवोकेट, इनका नाम है करण थापर। दुनिया की सबसे लंबी सैंडस्टोन गुफा, इसकी लंबाई है 24.5 किलोमीटर, इसका नाम है क्रैमपुरी। कहां पे खोजी गई है ये कहां पे खोजी गई है? ये मेघालय में खोजी गई है, मेघालय में। भारतीय डाक ने अभी अभी एक डाक टिकट लॉन्च करी है, किसको सम्मान देने के लिए? इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। और इनकी जिंदगी पे एक फिल्म बनी है जिसका नाम है द थियरी ऑफ एवरीथिंग, द थियरी ऑफ एवरीथिंग। कौन सा राज्य है जिन्होंने अभी अभी अपना 106वां फाउंडेशन डे मनाया? इस राज्य को बने हुए 106 साल हो गए, इसको बिहार दिवस भी बोलते हैं, आंसर है बिहार, 22 मार्च को ये मनाया गया। कौन सा एयरपोर्ट है जो दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया स्काईट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड जो स्टॉकहोम स्वीडन में हुए थे? दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? चंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सिंगापुर का है। किसने उद्घाटन करा पहली भारत की साइन लैंग्वेज डिक्शनरी है, इसमें 3000 शब्द रखे गए हैं, इसका उद्घाटन करा हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्री थावरचंद गहलोत ने। कौन सी कंपनी है जिन्होंने सावन म्यूजिक कंपनी को खरीद लिया है? ये खरीदा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, और अब ये अपने जियो म्यूजिक के साथ इसे मर्ज कर देंगे, सावन यानी मुकेश अंबानी ने खरीद लिया है सावन को। एक इंपॉर्टेंट बात, अब इनकी मेन कॉम्पिटिटर कौन है? इनकी मेन कॉम्पिटिटर है एक तो विंक, विंक ऐप है भारतीय एयरटेल का, WYNK म्यूजिक गाने अगर सुनते हैं आप, और एक ऐप है जिसको बोलते हैं गाना.com, तो गाना मतलब जो ऐप है, गाना ऐप है टाइम्स इंटरनेट का। अब इन तीनों के बीच में कंपटीशन होगा, एक तो सावन जिसे जियो म्यूजिक ने खरीद लिया है, एक विंक जो भारतीय एयरटेल का है, और एक टाइम्स इंटरनेट का है जिसको बोलते हैं गाना। केरल ने अपना ऑफिशियल फ्रूट किसे डिक्लेयर करा है? केरल का ऑफिशियल फ्रूट कौन सा है? ये है जैक फ्रूट।
जैक फ्रूट। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन उमा भारती जो है, इनके हिसाब से कौन सा भारत का राज्य है जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल हैबिटेशन फुल्ली कवर्ड बाय ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। भारत के कौन से राज्य में जो आदिवासी घर हैं वो पूरी तरह से पीने के पानी उनको मिलता है, ये मिलता है। पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे है इसमें उड़ीसा, तीसरे नंबर पे है झारखंड। वो एलटीटीई जो एलटीटीई जो आतंकवादी संगठन था, इसका एक जहाज है जो श्रीलंका की नेवी ने डुबो दिया। क्या नाम है इस जहाज का? इस जहाज का नाम है वी लिंग। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी, उसको नेशनल सोशल जस्टिस डे के रूप में मनाया गया। ये किस दिन थी? ये थी 14 अप्रैल को। और डॉक्टर अम्बेडकर के नाम में अब राम जी जोड़ दिया गया है, ये भी याद रखिए। इनमें से कौन से कंट्री हैं जिन्होंने ब्राजाविल डिक्लेरेशन साइन करा, ये दुनिया के सबसे बड़े ट्रॉपिकल पीटलैंड इनको बचाने के लिए ये साइन करा है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके साथ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और इंडोनेशिया ने। सो आंसर है 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 इसको बोलते हैं कुवैत, CUVETE, कुवैत सेंट्रल रीजन। हमारा जो सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस का जो मंत्रालय है, उन्होंने कहा है कि भारत में सबसे ज्यादा भिखारी कौन से राज्य में है? ये है बंगाल में। बंगाल में भिखारी है टोटल 4,13,000 और पहले नंबर पे है ये। सबसे कम भिखारी है लक्षद्वीप में, यहाँ पे सिर्फ 2 भिखारी हैं, 2 only। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज्यादा भिखारी है दिल्ली में, दिल्ली में है 2,187 भिखारी। हमारी फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने राजस्थान में पहला फूड पार्क बना, उसका उद्घाटन करा। कहाँ पे बना है राजस्थान का पहला फूड पार्क? ये बना है अजमेर में। इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप कौन सा है जिसने अपनी अभी यात्रा शुरू करी है बार्सिलोना से? इसका नाम है सिम्फोनी ऑफ द सीज। इसमें 6,680 पैसेंजर यात्रा कर सकते हैं। इनमें से भारत का पहला जिला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट, जहां 100% सोलर पावर प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गए हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं 20,000 से 30,000 की जनसंख्या पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, और ये बना है सूरत में। कितना लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक हिमाचल प्रदेश को यूथ एम्प्लॉयबिलिटी यानी जवान लोगों के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए दे रहा है? ये लोन है $80 मिलियन। और अब आज का आखिरी सवाल, कौन सी कंपनी है जिसने इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम प्रोजेक्ट लगाया वाराणसी में इसको वायरलेस सिटी बनाने के लिए? यह है पावर ग्रिड इंडिया। उस वर्चुअल असिस्टेंट का क्या नाम है जिसे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने स्थापना दिवस पर लॉन्च किया था? इसका नाम है समृद्धि, समृद्धि। इसके अलावा उन्होंने संपर्क, संवाद, सुरक्षा और संप्रेषण, इन पे भी जोर दिया। यहीं पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक अभी अभी 3R सबमिट हुआ था कि हम 3R का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं जीवन को बेहतर बनाने में। तो ये 3R क्या होते हैं? ये होते हैं रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल, तो ये 3R भी आपको याद रखने हैं। सिडबी जो बैंक है, ये भारत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी चलाता है, और इस बैंक के जो चेयरमैन है वो है मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा। भारत में जो छोटे उद्योग हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है सिडबी। इसके अलावा यहीं पे दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड असिस्टेंट्स के नाम क्या हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है जिसे बोलते हैं SBI इंटेलिजेंट असिस्टेंट यानी SIA। HDFC के 2 हैं, एक तो है ईवा और एक है ईरा, ये रोबोटिक असिस्टेंट है। ICICI बैंक का है रोबोट जिसको बोलते हैं IPAL। कोटक महिंद्रा बैंक के रोबोट को बोलते हैं KEA। HDFC आर्गो बैंक का जो है उसे बोलते हैं DIA, और फेडरल बैंक को बोलते हैं फेड मोबाइल। ये बैंकों ने आजकल अपने अपने चैट बॉट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड जो रोबोट हैं वो सब बना रखे हैं। HDFC बैंक भारत का एकमात्र बैंक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन से ज्यादा है, यानी कि 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। और HDFC बैंक के अलावा 2 कंपनी और हैं, एक तो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसके चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, और दूसरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसके चेयरमैन है मुकेश अंबानी। तो ये 3 कंपनी है भारत में सिर्फ, और एक अकेला बैंक HDFC जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन से ज्यादा है। हमारे जो बिजली मंत्री हैं और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री हैं RK सिंह, उन्होंने अभी अभी आधारशिला रखी 60 मेगावाट क्षमता का नैतवार मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कौन से राज्य में बन रहा है? ये बन रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत,
कौन सी फुटबॉल टीम है जिसने संतोष ट्रॉफी जीत लिया। ये जो फाइनल हुआ था सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में हुआ था, ये इनका छठा टाइटल है और इन्होंने बंगाल को हराया फाइनल में। ये टीम है केरल, केरल की टीम ने ये जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट, केरल के दो इंपॉर्टेंट डांस हैं, एक तो है कथकली और एक है मोहिनी अट्टम। चलिए, वित्त मंत्रालय ने अभी अभी कौन से रुपए का सिक्का निकाला जो सिखों के गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 350वीं वर्षगांठ पर, बर्थ एनिवर्सरी पर, यह सिक्का था 350 रुपए का, 350 रुपीज का। इंडियन सेलुलर एसोसिएशन के हिसाब से भारत कौन से कंट्री को पीछे छोड़ के दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। भारत ने पीछे छोड़ा वियतनाम को, वियतनाम को। तो अब नंबर वन है चाइना, नंबर दो है वियतनाम, और नंबर दो है इंडिया, मतलब पहले था वियतनाम, नंबर दो इंडिया और नंबर तीन हो गया है वियतनाम। और अगर मैं स्टील की बात करूं, जिसको बोलते हैं क्रूड स्टील, कच्चा इस्पात, तो नंबर वन उसमें चाइना था, नंबर दो जापान था, नंबर तीन इंडिया था। तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ के अब स्टील में भारत हो गया है दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर। अब कमेंट्स में लिख के ये बताइए, भारत के स्टील मंत्री कौन है, स्टील मिनिस्टर, कमेंट्स में लिख के बताइए। कौन सा कंट्री है जिसने एक न्यूक्लियर कैपेबल यानी नाभिकीय क्षमता वाला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है सरमत, उसका लॉन्च करा है, उसको टेस्ट फायर करा है? ये है रशिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारत में राजमार्ग और राजकीय मार्ग बनाता है, यानी सेंट्रल, जो स्टेट हाईवे और सेंट्रल हाईवे होते हैं वो बनाता है, उसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। ये ग्रीन कॉरिडोर कहाँ बनेगा? ये बनेगा वाराणसी में, और ये नेशनल हाईवे 56 और नेशनल हाईवे 29 को कनेक्ट करेगा। लगभग 16 किलोमीटर का ये रोड होगा, और वाराणसी का पुराना नाम है बनारस, आप जानते ही होंगे, और वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव क्षेत्र भी है, और वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाएगा क्योटो, क्योटो। अभी एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बन रहा है यहाँ पे, जिसको लेके काफी विवाद चल रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं गुरु प्रसाद मोहपात्रा, और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं सुरेश प्रभु। नैसकॉम की नई प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो नैसकॉम की प्रेसिडेंट बनी है देवजनी घोष। एक इंपॉर्टेंट बात, नैसकॉम का चेयरमैन भी बदल गया है, पहले थे रमन रॉय और अब हैं रिशाद प्रेम जी नए चेयरमैन, और वाइस चेयरमैन हैं नए केशव मुरुगेश। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने अनाउंस करा है कि जो सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज है वो 60 से बढ़ा के कर दी है 62? ये अनाउंस करा है मध्य प्रदेश की सरकार ने। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। पहले गुजरात की मुख्यमंत्री थी किसी समय में, और मध्य प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट डैम है इंदिरा सागर डैम। खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, और नर्मदा नदी के ऊपर एक और डैम है सरदार सरोवर डैम, पर वो गुजरात में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका असली नाम है अजय सिंह बिष्ट, उत्तराखंड में जन्म हुआ था इनका, तो योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन करा भारत का सबसे ऊंचा सड़क, सबसे एलिवेटेड रोड, जिसका नाम है हिंडोन एलिवेटेड रोड। कहां पे किया ये उद्घाटन? ये किया गाजियाबाद में। 10 किलोमीटर लंबा है और 227 खंभों पे टिका हुआ है ये रोड। कौन सा एयरपोर्ट है जिसे सबसे साफ एयरपोर्ट का अवार्ड मिला? सबसे साफ एयरपोर्ट भारत का कौन सा है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये अवार्ड दिया है, ये है मैंगलोर एयरपोर्ट है कर्नाटक में। एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, ये एग्जाम में आता है। विरूपाक्ष मंदिर जिस जगह पे है उसे बोलते हैं पटडकल, और पटडकल एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कर्नाटक में हम्पी भी है, हम्पी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कर्नाटक में भारत में सबसे ज्यादा एलिफेंट है, सबसे ज्यादा टाइगर है। कौन सा स्पोर्ट्स फेडरेशन है जिसने एक मोबाइल ऐप बनाया है स्काउट मी, मुझे खोजो, टैलेंट को खोजने के लिए? स्काउट मी बनाया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने, AIFF। इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल। कौन से राज्य का एक मुर्गा है जिसको बोलते हैं कड़कनाथ मुर्गा, इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिल गया है? ये है मध्य प्रदेश का। ये मेनली झबुआ में पाया जाता है, मध्य प्रदेश का झबुआ जो डिस्ट्रिक्ट है, जहां मेनली आदिवासी रहते हैं, जो ट्राइबल एरिया है, वहां पे ये पाया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 जो हुए थे गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, इनका मैस्कॉट शुभंकर क्या था? इनका शुभंकर था ब्लू कोआला बियर बोरोबी। ये एक नीला
कोआला बियर है, भालू है, बोरो भी बोलते हैं इसे। और इसमें पूछे कि भारत का ध्वजवाहक कौन था। जब ये खेल स्टार्ट हुए तो पीवी सिंधु ने भारत का झंडा लेके चली, और जब गेम खत्म हुए तो मैरी कॉम। तो क्लोजिंग सेरेमनी में मैरी कॉम, ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु। केंद्र सरकार ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का साइज कम कर दिया है, 7 मेंबर से अब कितना कर दिया है। पहले था 1+6, एक चेयरमैन और 6 मेंबर, अब कर दिया है 1+3, तो 7 से कर दिया है 4। 4, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है डी के सिकरी। भारत ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज करी अभी अभी जिसका नाम है सहयोग हयो बलियोग। भारत ने चेन्नई में करी, कौन से देश के साथ। भारत ने करी साउथ कोरिया के साथ, और इसमें हिस्सा लिया दोनों देशों के तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड ने। कौन से राज्य की सरकार ने रूपाश्री स्कीम शुरू करी है, महिलाओं की शादी के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए। यह स्टार्ट करी है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। रूपाश्री और कन्याश्री दोनों ही स्कीम जो है वो वेस्ट बंगाल की है, और कन्याश्री स्कीम को मिला था यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड। और एक मिलती जुलती स्कीम है माझी कन्या भाग्यश्री, तो भाग्यश्री ये जो स्कीम है ये है महाराष्ट्र की, कंफ्यूज नहीं होना है। रूपाश्री कन्याश्री बंगाल और भाग्यश्री महाराष्ट्र। वैज्ञानिकों ने घास जैसा दिखने वाला पौधा जिसका नाम है फिम्बरी स्टाइलिस अगस्ते मलायंसिस खोजा है, कहां पे खोजा है। ये खोजा है पोनमुड़ी की पहाड़ियों में। और अगस्ते माला बायोस्फेयर रिजर्व भी है यहां पे, अगस्ते माला बायोस्फेयर रिजर्व। एक हिल्स और याद रखिए, वो है बोधी वेस्ट हिल्स, क्योंकि बोधी वेस्ट हिल्स जो है यहां पे लगा है इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट, और ये तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में लगा है। उत्कल दिवस यानी जिस दिन उड़ीसा बना था, ये कब मनाया जाता है। उड़ीसा बना था 1 अप्रैल 1936 को, तो 1 अप्रैल को होता है उत्कल दिवस। कौन सी ऐप है जिसे हमारे जो कोयला मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने कोयले की जो गुणवत्ता है उसकी जांच करने के लिए लॉन्च करा है। इस ऐप का नाम है उत्तम। यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती, हमारी जो मौजूदा सरकार है उसकी आदत है कि फुल फॉर्म जरूर होती है। तो उत्तम की फुल फॉर्म है अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल। अब इसे याद रखना आपका काम है। इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसका आयात बैन कर दिया है, क्योंकि इसका मिसयूज होता था जानवरों पे। यह है ऑक्सीटोसिन, इसे लव हार्मोन भी बोलते हैं। जानवरों में ज्यादा दूध के लिए और दूसरे कामों के लिए, फल सब्जियों का साइज बढ़ाने के लिए इसका मिसयूज होता था। कौन से राज्य की सरकार ने गंगा हरितिमा योजना शुरू करी है 27 जिलों में, ये स्टार्ट करी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। गंगा नदी से लगते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब लगते हैं। और उत्तर प्रदेश में नरोड़ा एटॉमिक पावर प्लांट है और दुधवा नेशनल पार्क है, एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है जो हमारे न्यूज चैनल्स को रेगुलेट करेगी, उस पर किस तरह का कंटेंट दिखाया जा रहा है, क्या है, फेक न्यूज तो नहीं है ये सब। इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा, इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे नरेंद्र कुमार सिन्हा, और ये कौन है, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय में सेक्रेटरी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने 2 विलुप्त प्राय भाषाएं उनका खोज कर ली, वाल्मीकि और मल्हार। कहां बोली जाती हैं ये, वाल्मीकि बोली जाती है कोरापुट में, उड़ीसा में, नक्सलवादी एरिया है कोरापुट, और मल्हार बोली जाती है भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूर। सो आंसर है उड़ीसा। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है उजवन। उजवन का मतलब होता है तमिल में फार्मर, तो आंसर है तमिलनाडु। ये है मुख्यमंत्री एडापड़ी के पल्लास्वामी, ये है उप मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम। बात हो रही है तमिलनाडु की, तमिलनाडु में 2 डैम है जो बहुत पूछे जाते हैं। एक तो है भवानी सागर भवानी नदी के ऊपर है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैतूर डैम। पहली बार कौन से राज्य की सरकार ने कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट करा है किसानों के साथ बातचीत करने के लिए, यह स्टार्ट करा है अभी अभी केरल की सरकार ने। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने सबसे पहला वन धन विकास केंद्र कहां खोला, वन धन विकास केंद्र, यह खोला गया बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, और बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में। भारत कौन से देश को पीछे छोड़ के दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा स्टील निर्माता बन गया, तो आंसर है जापान, नंबर 1 चाइना, नंबर 2 इंडिया। फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तराखंड का दूसरा फूड पार्क बनाया, अभी अभी उसका उद्घाटन करा। पहला वाला कहां पे है, पहला वाला है हरिद्वार में, दूसरा वाला कहां है, उधम सिंह नगर। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, इससे पहले थे ओपी सिंह, पर ओपी सिंह बन गए उत्तर प्रदेश के DGP,
तो ये पोजीशन वेकेंट हो गई थी, इसको भरा राजेश रंजन ने। केंद्र सरकार ने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, यानी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं यूनियन टेरिटरी, उनके जो गवर्नर होते हैं, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, उनकी सैलरी 80,000 से बढ़ा के कितनी कर दी है। अब इनकी सैलरी है 2,25,000, 2,25,000, और इससे फायदा होगा जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ ग्रही का एक राष्ट्रीय सम्मेलन, उसका उद्घाटन करा। कहाँ पे हुआ था? स्वच्छाग्रही, ये चंपारण सत्याग्रह जो था उसके 100 साल पूरे होने की खुशी में किया था, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट बिहार में। भारत ने अनाउंस करा है कि नेपाल तक एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी काठमांडू तक, तो ये बिहार से चलेगी। बिहार में कहां से चलेगी? ये चलेगी बिहार में रक्सौल से, रक्सौल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत और नेपाल मिलकर बना रहे हैं अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। भारत ने जलियांवाला बाग मसाकर की वर्षगांठ, उसको ऑब्जर्व करा 13 अप्रैल को। ये जो है ये कौन सी वर्षगांठ थी? ये थी 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग है अमृतसर में, पंजाब में, और जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, तो लगभग 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कौन सा शहर है जहां पे 11वां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया? इससे पिछला हुआ था 10वां, जो भोपाल में हुआ था, और सबसे पहला हुआ था नागपुर में, सबसे पहला, फर्स्ट एवर, और नागपुर में हुआ था सबसे पहला। तो आपको बताना है कि अभी कहां हुआ 11वां, ये हुआ पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस मॉरिशियस की राजधानी है। और याद रखिए, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को, और हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है, जिसमें जो स्कूल की प्रेयर होती है मॉर्निंग प्रेयर, अब वो आफ्टरनून में करवाई जाएगी, जिससे बच्चे धूप में खड़े रहें और उन्हें विटामिन डी मिले। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोजेक्ट धूप। याद रखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने स्टार्ट नहीं करा है, ये स्टार्ट करा है FSSAI ने। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाने का निर्णय लिया है? 5,000 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। अभी जो सबसे बड़ा है भारत का सोलर जो पावर, वो है शक्ति स्थल, कर्नाटक के टुमकुर में। अब बनेगा गुजरात में। गुजरात में कहां बनेगा? ये बनेगा ढोलेरा में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम मिलके इन्होंने MOU साइन करा है सऊदी अरामको के साथ। ये कौन सी ऑयल रिफाइनरी बनाने के लिए? ये है रत्नागिरी रिफाइनरी। इसमें IOCL का हिस्सा है 50%, BPCL और HPCL का है 25-25%, और रत्नागिरी है महाराष्ट्र में। वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम कब मनाते हैं? होम्योपैथी डे जो है ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि डॉक्टर सैमुअल हानेमान, इनका जन्मदिन होता है, और ये इन्होंने होम्योपैथी स्टार्ट करा था जर्मनी में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, 65वें नेशनल फिल्म अवार्ड थे, तो किसे मिला? ये मिला विनोद खन्ना को, और जूरी के चेयरमैन थे शेखर कपूर। जो जूरी थी जिसने डिसाइड करा अवार्ड किसे देने हैं, उसके चेयरमैन थे शेखर कपूर। और ये है मुख्य अवार्ड, आपको सिर्फ ये ऊपर के 5 याद रखने हैं। बेस्ट फिल्म फीचर फिल्म विलेज रॉकस्टार, बेस्ट एक्ट्रेस श्रीदेवी MOM मॉम फिल्म के लिए, बेस्ट एक्टर रिद्धि सेन नगर कीर्तन, बेस्ट हिंदी फिल्म न्यूटन, स्पेशल जूरी अवार्ड नगर कीर्तन, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन AR रहमान। नीचे वाले ये याद नहीं रखने। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत पहला हेल्थ सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट करा है? ये करा इन्होंने, गांव का नाम है जंगला, बीजापुर, और बीजापुर है छत्तीसगढ़ में। और आयुष्मान भारत में 10 करोड़ परिवार उनको टारगेट किया गया है, और सबको 5,00,000 रुपए दिए जाएंगे साल में स्वास्थ्य बीमा के तौर पे। कौन सा राज्य है जिसने अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया 15 अप्रैल को? ये मनाया हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश बना था 15 अप्रैल 1948 को। पहले रैपर कौन बने जिनको पुलिट्जर प्राइज मिला है म्यूजिक के लिए? पुलिट्जर प्राइज म्यूजिक के लिए मिला इनके गाने, गाने का नाम है डैम, और ये गाना गाया है केंड्रिक लमार ने। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने अनाउंस करा है कि कौन सा एयरपोर्ट है जिसे भारत का कार्गो हब बनाया गया? ये एयरपोर्ट है मोपा एयरपोर्ट, और ये है गोवा में। पहले व्यक्ति कौन बने जिन्होंने बांग्ला चैनल को एक ही दिन में 2 बार तैर के क्रॉस करा? टोटल इन्होंने 32 किलोमीटर की तैराकी करी है, और इनका नाम है संपन शैलार। राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सिनेमा में अपने योगदान के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने किसे दिया है? ये अवार्ड मिला है मशहूर एक्टर धर्मेंद्र को। कौन से राज्य की सरकार ने क्वेस्ट स्टार्ट करा है? ये इन्होंने ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, आदिवासी समुदाय के जो विकास है उसके लिए करा है क्वेस्ट। ये स्टार्ट करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। और क्वेस्ट की फुल फॉर्म भी है, फुल फॉर्म है क्वालिटी इवेल्युएशन फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर, इन शॉर्ट क्वेस्ट। हमारे ट्राइबल अफेयर मंत्री हैं जुआल ओराम।
कौन सा कंट्री है जिसने सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन को खत्म कर दिया है। यहाँ पे एक यूथ कुए कुए था, एक लोगों ने मिलकर आंदोलन करा और बांग्लादेश की सरकार ने इसको खत्म कर दिया। इनमें से शोरेनस्टीन जर्नलिज्म अवार्ड पत्रकारिता में अपने योगदान के लिए स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी से किसे मिला है? द वायर नाम की वेबसाइट है इनकी, ये है सिद्धार्थ वर्धराजन। कौन सा कंट्री है जो 62वां सिग्नेटरी मेंबर बना, जिसने साइन कर दिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा बनने को, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है भारत और फ्रांस ने शुरू करा था, फिर दूसरे कंट्रीज में आते गए। COP21 पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में ये जुड़ा था, वहां बना था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम हरियाणा में, इसकी पहली मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में, और ये कंट्री है यूके। भारत की क्या रैंक है कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स में? 53 कंट्री में हमारी जो रैंक है वो है बहुत पीछे, 10वें नंबर पे, नंबर वन है यूके। कौन सा कंट्री है जहां पे 40 साल के बाद कोई फिल्म दिखाई गई, यहां पे जो थिएटर है उस पे बैन था, वो खत्म हो गया 40 साल के बाद, ये था सऊदी अरब में। और जो फिल्म दिखाई गई वो कौन सी थी? फिल्म जो दिखाई गई वो थी ब्लैक पैंथर। कौन से राज्य की सरकार ने डिसाइड कराया संचार क्रांति योजना के तहत 50 लाख फ्री मोबाइल फोन बांटे जाएंगे, फ्री स्मार्टफोन? ये है डॉक्टर रमन सिंह, ये हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। और 50 लाख में से 5 लाख जो फोन मिलेंगे वो मिलेंगे स्कूल, जो कॉलेज जाने वाले युवा हैं उन्हें। स्वाजीलैंड के राजा ने अपने देश का नाम पलट के स्वाजीलैंड से क्या रख दिया है? अब ये देश हो गया है ई स्वातिनी। इस देश का जो नया नाम है वो है ई स्वातिनी। इस देश की राजधानी है मबाबैन। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अटल अमृत अभियान, ये कौन से राज्य की कैशलेस हेल्थ स्कीम है, उसको लॉन्च करा? ये स्कीम है असम की। इसमें 2 लाख रुपए तक का मेडिकल केयर मिलेगा उस व्यक्ति को जिसकी साल की इनकम 5 लाख से कम है। कौन सा राज्य है जहां पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और जनजातियों के खिलाफ क्राइम सबसे ज्यादा है? यह राज्य है बिहार। और सबसे कम है वेस्ट बंगाल में। और याद रखिए, अगर पूछें शेड्यूल कास्ट के खिलाफ क्राइम सबसे ज्यादा कहां है, तो आंसर है मध्य प्रदेश। शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ आंसर है राजस्थान। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के खिलाफ आंसर है बिहार। कौन सा राज्य है जिसे मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड मिला, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड, ये मिला है अभी मध्य प्रदेश की सरकार को। कौन से राज्य की पुलिस है जिसने पॉकेट कॉप प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है, इसमें जो लगभग 5000 मुजरिम है उनका डेटाबेस तैयार किया जाएगा और इस राज्य की पुलिस जो है उसे दिया जाएगा, ये स्टार्ट करा है अभी गुजरात की सरकार ने, विजय रूपानी है यहाँ के CM। इनमें से चाइना में होने वाला जो वर्ल्ड कप है फीफा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2019, इसका शुभंकर कौन होगा? इस शुभंकर का नाम है सन ऑफ ड्रीम्स ड्रैगन। NCC का डायरेक्टर जनरल कौन बना है? NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इनका मोटो है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इनका नाम है PP मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट जनरल PP मल्होत्रा। कौन से राज्य की सरकार ने हीमोफिलिया जागृति नाम का मैगजीन शुरू करा है, हीमोफिलिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए? ये करा है गुजरात के जो असेंबली स्पीकर है राजेंद्र त्रिवेदी, उन्होंने। ये पूछा है कि कौन से राज्य के असेंबली स्पीकर ने लॉन्च करा, तो आंसर है गुजरात के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये मध्य प्रदेश के कौन से गांव से शुरू करा है? ये गांव है रामनगर गांव, और रामनगर गांव है मांडला डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के किनारे। अभी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया है नागरिक परिवहन मंत्रालय ने। ये भारत में सारे राज्यों में रोड टैक्स जो लगेगा उस पर चर्चा करेगा कि रोड टैक्स होना चाहिए एक ही जैसा, यूनिफॉर्म। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मंत्री यूनुस खान। कौन से इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चिकनगुनिया से लड़ने के लिए, इसके उपचार के लिए एक मॉलिक्यूल बनाया है? यह मॉलिक्यूल बनाया IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने, इसका नाम रखा है PEP1। चिकनगुनिया भी एडिस इजिप्टी मॉस्किटो के काटने से फैलता है, यह वही मच्छर है जिसके काटने से डेंगू फैलता है। गिलर्मो कानो प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे मिला है? यह अवार्ड मिला महमूद अबू जीद को, और ये इजिप्ट के हैं। गिलर्मो कानो प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया जाता है पत्रकारिता में बहादुरी के लिए। कौन सी कंपनी है जो पहली IT कंपनी बनी भारत की, जिसने $100 बिलियन का मार्केट कैप क्रॉस करा? ये कंपनी है TCS, HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज, लेकिन ये IT कंपनी पूछी है तो वो है TCS। इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को मनाया गया, ये किसका बर्थडे और डेथ डे दोनों होता है? ये बर्थडे और डेथ डे होता है विलियम शेक्सपियर का। मणिपुर में कौन सी जगह है जो भारत का पहला कैशलेस आइलैंड बन गया है? इसका नाम है करांग, और ये बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ था, और मणिपुर जो है इसकी राजधानी है इम्फाल। यहाँ पे एक लोकटक लेक है। कौन सा कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा जो इस देश के बाहर रहने वाले लोग हैं उन्होंने पैसा भेजा, $69 बिलियन भेजे 2017 में? नंबर वन है इंडिया, नंबर दो है चाइना। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली वुमेन फायर फाइटर कौन बनी?
इनका नाम है तानिया सन्याल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है गुरु प्रसाद मोहपात्रा। कौन सा ग्राम पंचायत है भारत का जिसे भारत का बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड मिला है? ये अवार्ड मिला दिगंबरपुर को, ये साउथ 24 परगना के जो वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ता है ग्राम पंचायत। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से दुनिया में पिछले 4 सालों में जितने भी बैंक अकाउंट खोले गए उसके भारत में कितने खोले गए? भारत में उसके 55% खोले गए। टोटल 51.4 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए पिछले 4 सालों में पूरी दुनिया में। इनमें से कौन से इंडियंस हैं जिन्हें दुनिया के 50 सबसे ग्रेटेस्ट लीडर्स में फॉर्चून मैगजीन ने कहा है? ये हैं इंदिरा जयसिंह, मुकेश अंबानी और बालकृष्ण दोषी। सो आंसर है 1, 2 एंड 4। कौन सा शहर है जो भारत का पहला शहर बना जहां पे अगर बिजली चली जाए तो जो कस्टमर्स हैं उन्हें उसका मुआवजा दिया जाएगा अनशेड्यूल्ड पावर कट्स के लिए? ये अनाउंस करा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में। कौन सा स्मार्ट सिटी है जो भारत का पहला सिटी बना है जहां पे दिन में जितनी भी बिजली चलती है वो सारी रिन्यूएबल एनर्जी होती है? ये है दीयू, दमन दीयू की राजधानी दीयू। आदिलाबाद डोकरा को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग मिल गया है, ये कौन से राज्य का है? तो आदिलाबाद जगह है तेलंगाना में। और एक और है वारंगल के जो कारपेट हैं उन्हें भी मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। सो ये था वीडियो भाग 2। आपने ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अगर आपको अच्छा लगे तो स्प्रेड द वर्ड, वर्ड ऑफ माउथ से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। और आप शेयर करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमारे चैनल को प्रोत्साहन मिलता है कि हम इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। भाग 3 आएगा इसके तुरंत बाद, तो आपको वो भी देखना है। और अगर आप ये तीनों वीडियो देख लेते हैं तो फिर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जा सकते हैं। आपको याद दिला दूं हमारे जो पेनड्राइव कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। एक बार हमारी वेबसाइट विजिट करें studyiq.com, यहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF भी उपलब्ध होगा और PDF से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बार बार आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।